नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। भारत के अंदर अडानी ग्रुप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि काफ़ी सरकारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही है और काफ़ी न्यूज़ चैनलों पर, काफ़ी कंपनियों पर अडानी ग्रुप का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक कॉरपोरेट जगत के पक्ष में पूरे भारत का एक आधा व्यापार हो सकता है, यानी पूरे भारत को आने वाले समय के अंदर अडानी ग्रुप अपने इशारों पर नचाने वाला है। इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सेंटर सरकार ने सबसे पहले 3 कृषि कानून को लेकर आई थी, जिसको भी अडानी ग्रुप को दिए जाने का प्रावधान था, यानी अडानी ग्रुप ही कृषि क्षेत्र में अपनी जो है मौजूदगी व्यक्त करना चाहता था, लेकिन किसानों ने आंदोलन कर उन कारणों पर लकीर फेर दी। उसके बाद क्या हुआ है कि रेल, जो रेल का डिपार्टमेंट है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अडानी के कंट्रोल में आ चुका है। वहीं पर अभी क्या हुआ रहा है कि 24% और शेयर खरीदकर टीवी चैनल NDTV भी अडानी ग्रुप के कंट्रोल में आ चुका है। बिजली का कुछ हिस्सा भी, यानी बिजली पावर प्लांट भी भारत के अंदर अडानी ग्रुप के द्वारा सप्लाई की जाती है। ऐसे काफ़ी ऐसे बिजनेस हैं जो अडानी ग्रुप के द्वारा इंडिया के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं, यानी साफ साफ शब्दों में कहूँगा कि ऐसे काम धंधों पर अडानी ग्रुप के हाथ जम चुके हैं। अगर अडानी ग्रुप जैसा चाहे वैसे भारत सरकार को नचा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपना पावर प्लांट बंद कर दें तो बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए शॉर्टेज हो जाएगी इंडिया के अंदर और हाहाकार मच जाएगा। ऐसे ही वो अगर रेल को चलाना बंद कर दे तो यात्रियों को भीड़ से रेलवे स्टेशन पर अस्त व्यस्त फैल जाएगी। ऐसे ही कुछ चीज़ों पर अडानी ग्रुप लगातार अपना कब्जा जमाता जा रहा है, जो भारत के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल या भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। अडानी ग्रुप के कब्जे के बाद NDTV से कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने व कुछ अन्य मैनेजमेंट के अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, जो NDTV समेत पूरे भारत के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी NDTV की टीम टूटती जा रही है। ऐसे में क्या NDTV टीवी चैनल को क्या अडानी ग्रुप चला पाएगा? आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं। और इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आम जनता क्या सोचती है आप कमेंट कर सकते हैं। क्या अडानी ग्रुप भारत पर धीरे धीरे अपने पैरों को और बढ़ाएगा, या उसके पांव किसी अन्य ग्रुप के द्वारा काट दिए जाएंगे? इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दीपावली के साथ। जय हिंद।